नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। यूपी में इन दिनों माफियाओं, बाहुलियों और अपराधियों की शामत आई हुई है। खासकर योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्तनाबूत अभियान ने तो काली कमाई से आलीशान इमारतें खड़ा करने वालों की कमर तोड़ कर रख दी है। इस अभियान के तहत एक के बाद एक माफियाओं की छाती पर बुलडोजर गरज रहा है, जिसकी धमक ने सूबे के बदमाशों की नींद उड़ा दी है। तो माफियाओं के कब्जे से खाली कराई गई जमीनों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो गरीबों के चेहरे पर मुस्कान ला देगा। दरअसल प्रशासन ने जिन जमीनों को मुक्त कराया है, अब उन पर गरीबों के आशियाने बनेंगे। झोपड़ियों में रहने वाले उन गरीबों के लिए छत का इंतजाम किया जाएगा, जिनके पास सिर छिपाने की अपनी कोई जगह ही नहीं है। आम गरीबों के साथ जरूरतमंद वकीलों, टीचर्स, पत्रकारों और व्यापारियों के लिए अलग से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तैयार कर उन्हें बेहद कम कीमत पर फ्लैट मुहैया कराए जाएंगे। कई जमीनों पर पुलिस चौकियों और पब्लिक पार्किंग तैयार की जाएगी। सीएम योगी के खास निर्देश पर सरकारी अमला इसकी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुट गया है। इसकी शुरुआत उसी संगम नगरी प्रयागराज से होगी, जहां ऑपरेशन नेस्तनाबूत के तहत 100 दिनों में अब तक ध्वस्तीकरण की 34 से ज्यादा कार्रवाइयां हो चुकी हैं। सबसे पहले माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके रिश्तेदारों से खाली कराई गई 5 जमीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रयागराज के सरकारी अमले ने तो माफियाओं और बाहुबलियों की जमीनों को अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर किए जाने की भी कार्रवाई तेज कर दी है। सीएम योगी के ऐलान के 48 घंटे के भीतर ही प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की 5 जमीनों की पहचान भी कर ली गई है। दरअसल योगी सरकार के ऑपरेशन नेस्तनाबूत अभियान का सबसे ज्यादा असर संगम नगरी प्रयागराज में ही देखने को मिल रहा है। अभियान के तहत अब तक यहां लगभग 34 कार्रवाइयां की जा चुकी हैं, जिन माफियाओं, बाहुबलियों की आलीशान इमारतों को सरकारी बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया गया है। उनमें अतीक अहमद, भदोही के दबंग विधायक विजय मिश्र, अंडरवर्ल्ड से जुड़े वीएसपी पार्षद बच्चा पासी, छोटा राजन के शार्प शूटर कहे जाने वाले राजेश यादव, समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख रहे दिलीप मिश्र, दबंग रामलोचन यादव, पूर्व विधायक और अतीक के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और पूर्व पार्षद पप्पू गजिया के नाम शामिल हैं। बता दें कि सीएम योगी ने 16 दिसंबर को प्रयागराज में प्रदेश के वकीलों के समागम समारोह में माफियाओं, बाहुबलियों, अपराधियों के कब्जे से खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों के साथ ही वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों और पत्रकारों के लिए बेहद कम कीमत के मकान बनाए जाने का ऐलान किया था। उन्होंने मंच से प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अफसरों को इस पर जल्द अमल किए जाने के लिए कहा था। सीएम योगी के इस ऐलान के 48 घंटे के अंदर ही विकास प्राधिकरण ने इसकी कार्य योजना तैयार कर ली। जानकारी के मुताबिक अतीक के कब्जे से खाली कराई गई लूकरगंज इलाके की 8,000 और 4,000 वर्ग गज की 2 जमीनों पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएंगी। नवाब यूसुफ रोड पर अतीक से खाली कराई गई 5,000 वर्ग गज की जमीन पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी। अतीक के साड़ू इमरान जई की पानी की टंकी तराई की जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह शहर के मैदौरी इलाके में अतीक के चचेरे भाई हमजा उस्मान से आजाद कराई गई जमीन पर ग्रुप हाउसिंग होगी। ये सब वो जमीनें हैं जो सरकारी थी और इन्हें माफियाओं, बावलियों के कब्जे से खाली कराया गया था। इसके अलावा माफियाओं की काली कमाई से खरीदी गई उनकी निजी जमीनों को भी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर उस पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर साफ है कि अब यूपी के माफियाओं की मुसीबतें बढ़ गई हैं, जिन्होंने गरीबों को परेशान करके आलीशान इमारतें खड़ी की थी। अब उन जमीनों पर गरीब तबके के लोगों के लिए आशियाने खड़े किए जाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।